अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं आपका होस्ट फुरकान खान और आप देख रहे हैं एफके मोटर्स। सो व्यूअर्स, अमजद भाई के पास मौजूद हूं, अमजद ऑटोस पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल अमजद भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह भाई जान। सो व्यूअर्स, काफी सारे लोगों की डिमांड थी कि हम अपने गाड़ी में बेस ट्यूब नहीं रखना चाहते। कुछ लोगों का ये कहना था कि हमें स्पेस चाहिए होती है, बूट स्पेस चाहिए होती है। कुछ लोगों को वैसे ही इरिटेशन होती है इतने हैवी बेस सिस्टम से। तो उनका जवाब लेने के लिए मैं अमजद भाई के पास आया हूँ कि अमजद भाई कोई ऐसा सिस्टम बताएं कि जिसमें बेस भी हो, साउंड भी अच्छा हो, लेकिन पीछे बेस ट्यूब रखने की जरूरत ना पड़े। सो अमजद भाई से पूछते हैं, अमजद भाई बताएं इसमें कौन सा सिस्टम आप हमें लगा कर दे सकते हैं? जी, आज आपको कंपोनेंट दिखाते हैं जो एक होते हैं आम सादा स्पीकर जो दरवाजों में लगते हैं। ठीक है, क्योंकि लोग कहते हैं डिग्गी में बॉक्स रखते हैं तो यार वो जगह ही नहीं आती सामान की। अब जैसे छोटी गाड़ी है, मैगान, कल्टस, आल्टो, कोगे, इनके लिए भी काफ़ी लोगों का एतराज़ है जी यार इसमें अब स्पेस नहीं है। तो भाई, आपकी कोई भी गाड़ी है जिसमें आपके डोर में स्पीकर लगे हुए हैं पहले से और आप उनको बेहतर करना चाहते हैं, आवाज़ मतलब आप कहते हैं कि अच्छी आए, बेस अच्छी आए, चाहे हमें बेस ट्यूब ना लगवानी पड़े डिगी में, बिल्कुल, तो आप कहते हैं कि गेटों वाले ही कोई ऐसे स्पीकर मिल जाए कि जिनकी आवाज़ ऐसे लगे कि यार मज़ा आ गया, जैसे बेस चल रही अच्छी, जैसे वूफर लगा पड़ो। तो कंपोनेंट्स होते हैं, अब काफ़ी लोगों को कंपोनेंट्स का नहीं पता होगा तो इसी वजह से मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपल स्पीकर भी सादा आपको दिखा देता हूँ कि वो क्या होते हैं और कंपोनेंट का फ़र्क दिखाता हूँ कि वो क्या होते हैं। हाँ, कंपोनेंट के साथ ये ज़रूर है कि एम्पलीफायर लाजिम है, वो लगाना ही लगाना पड़ेगा। लेकिन उससे एम्पलीफायर और कंपोनेंट मतलब ये दो चला सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि एम्पलीफायर के साथ पीछे डिग्गी में आप वूफर सब वूफर वगैरह लगाएं, तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होगा। जैसे आल्टो होगी, आल्टो में आप चारों दरवाज़ों में ना स्पीकर की जगह दी होती है तो उसमें आप कंपोनेंट लगा के एक टू चैनल एम्पलीफायर लगा दें, वो आपको छोटी गाड़ी में ऐसे मज़ा करा देगा ना। कंपोनेंट चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, मज़ा तो कराएगा, लेकिन डिग्गी में वूफर रखने की जगह आपको जरूरत ही नहीं है। सो व्यूअर्स, अगर आप ऐसा बंदा है बिल्कुल मेरी तरह, मुझे गाड़ी में बिल्कुल बेस ट्यूब पसंद नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो डोर स्पीकर हैं, पिछला बंदा जो बैठा होता है वो तो वैसे ही उसका बुरा हाल हो जाता है अगर बेस ट्यूब लगी हो, तो जो शौकीन है वो तो फिर बर्दाश्त कर ही लेते हैं, लेकिन अगर आप मेरे जैसा बंदा है कोई ऐसा सिस्टम देख रहे हैं कि दरवाज़ों में ऐसा सिस्टम हो जाए जिसमें आपको बेस भी आए और अच्छी तो थ्रिल वाला साउंड है वो भी फील हो, तो ये कंपोनेंट स्पीकर बिल्कुल आपके लिए हैं। सो व्यूअर्स, अब चलते हैं, अमजद भाई को कहते हैं हमें वो कंपोनेंट्स दिखाएं और बाद में आपको मैं उनकी प्राइसेस भी बताऊंगा कि इनकी क्या क्या प्राइसेस हैं और कौन से एम्पलीफायर के साथ कौन से जो कंपोनेंट्स हैं वो बेटर परफॉर्मेंस आपको देंगे। सो व्यूअर्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन आइकन क्लिक करके और लाजमी सेलेक्ट कीजिएगा ताकि इस तरह की कोई भी लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको आपकी नोटिफिकेशन बार में मिल सके। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो व्यूअर्स, ये आपके सामने जो दो कंपनीज के कंपोनेंट स्पीकर पड़े हुए हैं, एक जो लेफ्ट साइड पे है ये ब्लैक थंडर का है और जो राइट साइड पे है ये अल्फा कंपनी का है। सो अभी आपको अमजद भाई बताएं इसमें और नॉर्मल जो स्पीकर होते हैं डोर वाले उनमें क्या फर्क होता है। ये जो नॉर्मल गेट्स में स्पीकर लगते हैं वो ये होते हैं, यही होते हैं बिल्कुल, मैं आपको कार्ड से ही समझा देता हूँ। अब ये देखें, इसको ओपन किया ना, इसमें कुछ भी नहीं है, ये सिंपल दो स्पीकर। ठीक है, अभी उनको ओपन करूंगा, उनके साथ जो जो एक्सेसरीज है आपको वो भी दिखाऊंगा। अभी ये लोकल स्पीकर हैं, ये सदा बाहर चलाई जा रहे हैं, लोगों को कुछ पता नहीं है कि यार मज़े का साउंड कैसा है। अब लोगों को पैसे बताएं तो वो कहते हैं यार ये महंगा दे गए, उनको फ़र्क नहीं होता कि कंपोनेंट और सिंपल स्पीकर का फ़र्क क्या है। वो कहते हैं कि ये इतना कॉस्टली क्यों दे रहे हैं आप, तो भाई फ़र्क ये है मेरे, ये लोकल है ना, ये एम पे चलने वाला स्पीकर है, ये सिर्फ आम टेप पे आप चला सकते हो या किसी एलसीडी के साथ चला सकते हो। और व्यूअर्स, अगर आप इसको एम्पलीफायर पे चलाएंगे तो ये सड़ जाएगा, ये एम्पलीफायर की पावर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। सो अभी आपको कंपोनेंट्स दिखाते हैं। समझत भाई, अब आप ये अल्फा कंपनी से स्टार्ट कर दें और ये इनको दिखाना शुरू करें कि जो नॉर्मल स्पीकर का फर्क तो आपको बता दिया, अब ये कंपोनेंट दिखाएं कि ये कंपोनेंट में क्या क्या चीजें होती हैं। ये देखें, सबसे पहले तो वो नॉर्मल जो स्पीकर आपको दिखाए थे उनमें ये ट्यूटर्स नहीं होते हैं, मतलब उनके जो ट्यूटर होते हैं वो उनके अंदर फिक्स होते हैं, ऊपर लगे होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल लोकल से होते हैं। ये इनके अलावा से दो ट्यूटर होते हैं। उसके बाद हाँ, मेन मजे की बात ये देखें, ये सर्कट है, ये इनको मतलब अप्लाई करंट अप्लाई करते हैं इनको, ये सर्कट कंपोनेंट के साथ होते हैं, सिंपल स्पीकर के साथ ये कंपोनेंट नहीं होते। ये दोनों सर्किट इसी के हैं, कंपोनेंट के हैं। इसके अलावा आपको ये कंपोनेंट भी होते हैं, ये इनकी डली होती है, ये तो ख्याल रखती नहीं है।
ये देखें, ये कंपोनेंट की फ्रंट साइड है, सही है, और ये इसकी बैक साइड, ठीक हो गया। और ये जर्मन अल्फा कंपनी के हैं और ये कॉपर कॉइल में ही आपको दिखा रहा हूँ। अभी जैसे अल्फा के हैं, ब्लैक थंडर है, इसके अलावा सोनी के भी अवेलेबल है, JBL के भी अवेलेबल है मेरे पास है। और भी चार, मतलब ये चार वैरायटीज में अवेलेबल है। सभी पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसके पीक वॉट्स हैं वो 315 वॉट्स हैं और जो इसके RMS है वो 45 वॉट्स हैं। इसके अलावा मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। असल में हम जो भाई इसकी प्राइस बताते चले, इसकी प्राइस है 12,000 रुपया, ठीक हो गया। तो व्यूअर्स अगर आप अमजद भाई को कॉल करते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट करते हैं, FK मोटर्स का रेफरेंस देंगे तो इसमें आपको थोड़ी बहुत डिस्काउंट देखने को भी मिल जाएगी और कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल है और ये फ्री डिलीवरी होगी। ये देखें, ये इनकी डाली आ गई, ठीक है। अब इनका ये कंपोनेंट आ गया तो कंपोनेंट से भी ज़्यादा मिलेगा, ब्लैक थंडर, सही है। व्यूअर्स ये देख सकते हैं आप, और इसकी कॉइल भी मुझे बड़ी लग रही है। अमजद भाई दिखाएं जरा, तो बहुत हो गई इसकी, ठीक हो गया। ये इसकी काफ़ी हैवी कॉइल है और अमजद भाई इसका जरा व्यूवर्स, इसका एक्सपीरियंस तो मैंने खुद भी किया हुआ, मैंने अपने दोस्त की गाड़ी में लगवाए थे और इन कंपोनेंट्स का जो साउंड है वो बहुत अच्छा है। और तो कंपोनेंट्स मतलब ये, इनका मतलब ये है कि ये बेस भी बहुत अच्छी देते हैं, कि ये नहीं है कि खाली स्पीकर वाली जैसे बेस मिलती है, ये जैसे सब ऊपर वाली बेस होती है वैसे देते हैं इनकी। ये देखिए ये रिले वगैरह, ये देखें कितनी है उनकी, देखी थी आपने, इनके रिले वगैरह होगी, सही है। यहाँ से जरा कॉइल वगैरह भी, ये कॉइल अंदर लगी हुई है, देखिए ये पिंस वगैरह यहाँ लगती हैं इनके ना। अच्छा अमजद भाई, ये जो कॉइल इनके साथ दी हुई है जी, ये एम्पलीफायर फिर भी लगाना पड़ेगा और एम्पलीफायर के साथ ये कॉइल लगेगी। एम्पलीफायर के अलावा अगर आप इनको इस्तेमाल करेंगे ना तो मजे का साउंड नहीं मिलेगा, सही है। आप सिंपल टेप पे चलाएंगे तो फिर आप फजूल लगा देंगे जितने भी पैसे लगा। इनके साथ 2 चैनल एम्पलीफायर, वो मार्च का 2900 वाट होता है, एक है 3500 वाट, मतलब 3500 वाट। तो 3500 वाट वाला आप इनके साथ एम्पलीफायर लगा लें, होप मार्क का 2 चैनल, ये बहुत ही अच्छे कंपोनेंट, वो 4 कंपोनेंट एट अ टाइम चला सकता है, सही है। जो 2 चैनल एम्पलीफायर ना होप मार्क का, वो 4 कंपोनेंट चला सकते हैं आपके इजीली। जैसे ये दो हैं तो, और व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि इसके अंदर वगैरह, ये देखें ये इसके अंदर ट्यूटर, इसकी वायरिंग, ये दूसरा ये सर्किट हो गया, मतलब इस तरह की काफी एसेसरीज हैं। ये सबसे मेन ये होती है सर्किट वगैरह, ये चीजें होंगी ट्यूटर्स वगैरह, तो ये आम जो स्पीकर होते हैं ये उनके साथ ये चीजें बिल्कुल भी नहीं होती। अच्छा अमजद भाई, इसका प्राइस क्या है? ये मिलेंगे आपको 15,500 के, और उसके अलावा JBL के भी मेरे पास पड़े हैं, JBL के जेनुइन कंपोनेंट्स हैं, अगर वो चाहिए तो वो 13,500 के हैं, सोनी के चाहिए तो वो 11,500 के हैं, लेकिन ये सोनी JBL से दोनों से ये ज्यादा भाग। व्यूअर्स इस चीज की गारंटी तो मैं भी आपको देता हूँ कि अभी ये जो ब्लैक थंडर वाले हैं ये काफी अच्छे हैं, ये मैंने अपने दोस्त की गाड़ी में भी लगवाए हुए हैं और सोनी का भी मैंने टेस्ट किया था, लेकिन वो प्राइस में तो थोड़े कम थे, लेकिन इसका रिजल्ट उनसे ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा। हर्ट्ज के भी होते हैं कंपोनेंट, हाँ वो भी हमारे पास है, हर्ट्ज के कंपोनेंट भी मार्केट में, वो तो इन है लेकिन इतने खास नहीं है, उनकी प्राइस है 8,000, सही है। ये उन सबसे मतलब अच्छा जो कंपोनेंट्स है तो वही ये वाला। सो व्यूअर्स अगर आप इनमें से कोई भी कंपोनेंट या कोई भी और चीज बाय करना चाहते हैं, एम्पलीफायर वगैरह, सबवूफर वगैरह, तो मैं आपको दिखाता चलूं कि यहाँ पर अमजद भाई के पास काफी ज्यादा वैरायटी यहाँ पर मौजूद है। सिस्टम जो साउंड सिस्टम है वो काफी अच्छे होते हैं इनके पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैनवुड का भी यहाँ पे सबवूफर पड़ा हुआ है, उसके बाद दूसरा भी कैनवुड, सोनी डबल कॉइल भी यहाँ पर अवेलेबल है, उसके बाद ये JBL भी पड़ा हुआ है यहाँ पे। सो आप कोई भी प्रोडक्ट इनसे बाय करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आप इनसे कॉन्टेक्ट करके कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी भी ऑल ओवर पाकिस्तान अवेल कर सकते हैं। सो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर FK मोटर्स का रेफरेंस देंगे तो आपको इन प्राइसेस में डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा।